हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ रमज़ान स्पेशल पकौड़ी बनाने की। ये जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पकौड़ी बनाना बताऊँगी और जो कि मैं आज कुछ इस तरह से बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्स वेजिटेबल ले लिए, जैसे कि एक मीडियम साइज़ का टमाटर था वो ले लिया है फ्रेंड्स मैंने, और ये कुछ हरा धनिया ले लिया है बहुत सारा भर के, और ये दो तीन हरी मिर्ची ले ली थी, इसको ऐसे बारीक कट कर लेना है फ्रेंड्स। और मैंने प्याज ले ली थी एक मीडियम साइज़ की, इसको भी ऐसे बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप मेरे स्टाइल से ऐसे पकौड़े बनाओगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा कुछ आज नया हो जाए, वैसे तो अपन पकौड़े बनाते ही रहते हैं अपन लोग फ्रेंड्स, तो आज नए तरीके से पकौड़े बनाना बताऊँगी मेरे स्टाइल में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पकौड़े के लिए ले लिया है एक कप बेसन, जैसे कि आप देख सकते हो, और बिल्कुल फाइन बेसन लेना है फ्रेंड्स, चना हुआ, और जो मेरा अच्छा वाला पैकेट वाला बेसन है, तो आप अच्छा वाला ही लीजिएगा पकौड़ी के लिए बेसन। मैंने एक कप लिया है, इसको डाल लेते हैं हम प्याले में। और फ्रेंड्स, मैंने इसी कप में मैंने ले लिया है आधा कप के करीब पानी, जो कि हम बैटर बनाएंगे पकौड़ी का। इसमें मैं फ्रेंड्स सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेती हूँ एक चम्मच। फ्रेंड्स, एक से दो पिंच हल्दी ले लेनी है फ्रेंड्स, हल्दी और हींग। मैं पहले सबसे पहले हींग ले लेती हूँ एक पिंच, और एक पिंच ही हल्दी लेनी है आपको, बहुत थोड़ी सी ही हल्दी लेनी है फ्रेंड्स। मैंने ली है बिल्कुल चुटकी भर हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। फ्रेंड्स, आप कम तीखा खाते हो तो कम कर सकती है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी ली है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये सूखे मसालों को और मिर्च मसालों को मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ में। फिर इसमें हम टमाटर और प्याज डाल देंगे, सब जो हमने वेजिटेबल्स ली थी, अब इसमें हम ये सब चीज़ डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें प्याज और टमाटर डाल लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ में। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और जिससे कि हम थोड़ा थिक बैटर बना के तैयार करेंगे पकौड़ी के लिए। वाटर ऐड कर दिया है फ्रेंड्स मैंने, अभी थोड़ा ऐड किया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, एकदम से ज़्यादा ना डालें फ्रेंड्स, जिससे कि पतला और गाढ़ा हो सकता है बैटर। फिर से मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स इसमें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, बैटर बना के तैयार कर लेते हैं इसका, एकदम स्मूथ, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला, एकदम परफेक्ट तरीके से बैटर बनाते हैं फ्रेंड्स पकौड़ी का, ध्यान रखिएगा इस बात का भी आप। मैं इसलिए आपको सारी सॉल्यूशन बता रही हूँ फ्रेंड्स, छोटी से छोटी टिप्स और ट्रिक्स ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है, ताकि इससे कोई गड़बड़ ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मैं इसमें अभी मेरे पानी की थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ थोड़ा और सा, और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स, इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से फैट लेना है, जिससे कि बैटर हमारा फ्लफी हो जाए और स्मूथ हो जाए, एकदम हल्का भी हो जाए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें चावल का आटा भी इसलिए ऐड करना है ताकि ये क्रिस्पी और करारी बने एकदम। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट तक के लिए फैट लेना है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आधा कप के करीब पानी लिया था, इसमें भी मेरा थोड़ा सा पानी बच गया है फ्रेंड्स, और बैटर बनके तैयार है। मुझे 10 मिनट हो गई है इसे फैटते फैटते, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए हम बनाना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो बैटर को आपको इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने बैटर को बिल्कुल बना के तैयार कर लिया, चलिए इसको फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है ये बैटर, फ्राई कर लेते हैं पकौड़ियों को। तो फ्रेंड्स, देखा जैसा कि आपने देखा, मैंने कढ़ाई में कुछ पकौड़ियों को डाल लिया है, मैं भी और डाल लेती हूँ, जितनी आपकी सहायता हो उतनी डालिएगा पकौड़ियों को, और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तल लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, हम इसको निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने पकौड़ियों को निकाल लिया, जैसे कि आप देख सकते हो।
फ्रेंड्स, ये क्रिस्पी और नरम भी है, बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर बनाइएगा, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बना के बनाइएगा ज़रूर और अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी लगती हैं इफ्तारी में, खास करके बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, चलिए मैं ऐसी कुकिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।